ऐसा भला कैसे हो सकता है कि इसराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका आए और रूस ना आए। एक तरफ जहां अमेरिका इसराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, वहीं अब रूस के राष्ट्रपति भी फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आए हैं। इसराइल और हमास के युद्ध पर अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आधिकारिक बयान आ गया है। दरअसल पुतिन ने अपने बयान में फिलिस्तीन को लेकर एक बड़ी बात कही है। पुतिन का कहना है कि हकीकत में इसराइल ने सैन्य बल के दम पर वास्तविक फिलिस्तीन की भूमि ली है। पुतिन ने अपने बयान में कहा कि फिलिस्तीन की समस्या हर व्यक्ति के दिल में है जो इस्लाम को मानते हैं, और वो इसे अन्याय की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं जो सोच से भी परे जा चुका है। попытались подменить решение фундаментальных политических проблем какими-то материальными подачками. Мы всегда говорили о том, что этого будет недостаточно без решения фундаментальных политических вопросов, главным из которых является создание суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме. पुतिन ने आगे कहा कि फिलिस्तीनियों की जमीन को हमेशा से वास्तविक फिलिस्तीन की जमीन माना जाता था। इसराइल ने अलग अलग समय पर और अलग अलग तरीके से इसे ले लिया, और इसराइल ने ज्यादातर जमीन सैन्य बल के दम पर ली है। Я не понимаю, зачем Соединенные Штаты туда подтаскивают авианосные группы в Средиземное море. Одну там говорят, анонсируют вроде вторую. Смысл я не очень вижу. Чего они собираются бомбардировать Ливан или чего? Чего они собираются делать? Или просто решили попугать кого-то? Ну, там есть люди, которые уже ничего не боятся. Нужно не этим способом решать проблемы, а искать поиск компромиссных решений. Вот чем надо заниматься. Ну, конечно, вот такие действия, они нагнетают обстановку. Если, как вы сказали, конфликт выйдет за палестинские территории, то, ну, конечно, повлияет. आपको बता दें कि अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपना जंगी जहाज भेज दिया है। अमेरिका के इस जहाज में भारी मात्रा में गोला बारूद और कई फाइटर जेट्स हैं, जिन्हें बाइडेन ने इसराइल की मदद के लिए भेजा है। और अमेरिका के इस फैसले पर भी पुतिन ने तीखा हमला किया है। पुतिन का कहना है कि जंगी जहाज भेजकर अमेरिका मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग भड़का रहा है। पुतिन का कहना है कि इस समस्या को सुलझाने के लिए एक समझौते भरे समाधान की जरूरत है। पुतिन ने साफ कह दिया कि अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी पूरी तरह से फेल हुई है, और इसका ज्वलंत उदाहरण फिलिस्तीन है। आपको बता दें कि इसराइल और हमास युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये पहला बयान है, जिसमें उन्होंने खुलकर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य बनाने की वकालत की है। ऐसे में यूक्रेन युद्ध पर हथियारों की सप्लाई को लेकर संभलकर चलने वाले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन के आग्रह पर अपना आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम जेलेंस्की को देने से मना कर दिया था, क्योंकि वो पुतिन को नाराज नहीं करना चाहते थे।